पत्नी ने पति को क्यों मारा थप्पड़। एक दिन एक युवा पत्नी ने अपने पति को एक थप्पड़ मारा। पति ने बेहद चौंका दिखाया और अपनी पत्नी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। पत्नी ने उत्तर दिया कि वह उसे बेहतर बनाना चाहती थी। पति ने इसे समझने का प्रयास किया, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि कैसे एक थप्पड़ उसे बेहतर बना सकता है। अगले कुछ दिनों में पति ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिन बाद पति को पता चला कि उसकी पत्नी को दर्द हो रहा है। उसने उसे अस्पताल ले जाया और वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी पत्नी को दिमागी रूप से कुछ परेशानी हो सकती है। पति ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उससे बात नहीं कर रही थी। फिर एक दिन उसने उसकी डायरी में जाकर उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि उसने थप्पड़ उसे बेहतर बनाने के लिए मारा था। पति ने इससे अफसोस हुआ और उसने उसे माफी मांगी। उसने उससे बात करने की कोशिश की और उसे इस बात का विवरण दिया कि एक थप्पड़ उसे बेहतर नहीं बना सकता। उसने उसे बताया कि यदि वह उसे सही तरीके से समझाती तो यह सब कुछ नहीं होता। इस घटना से पति ने यह सीखा कि संचार बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपनी पत्नी से अधिक संवेदनशील हो गया था और अब उसे उसकी जरूरतों को समझने के लिए अधिक तैयार था। यह घटना उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख दी। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें हमारे पार्टनर की जरूरतों को समझना चाहिए। हमें उनके साथ संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें सही तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को संभालने के लिए संचार के महत्व को समझना चाहिए। इस घटना से हमें यह भी सीख मिलती है कि कभी कभी हम अपने विचारों को दूसरों से सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें संवेदनशील होकर और धीरज रखनी चाहिए। तो मित्रों, यह कहानी पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।